हे मिनासान कोनिचिवा, हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज का वीडियो होगा थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फुल ऑन अड्डा। आज हम जाएंगे उत्सनुमिया की फेमस इंडियन रेस्टोरेंट में। वहाँ जाके करेंगे बढ़िया से ब्रेकफास्ट, करेंगे रेस्टोरेंट के स्टाफ से भी बात, जानेंगे रेस्टोरेंट के बारे में और भी बहुत कुछ। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं अपने एक फ्रेंड के साथ उत्सनोमिया की फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इचिगो, वहाँ पे हम दोनों जाएंगे और करेंगे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। अभी हम उत्सनोमिया स्टेशन पर ही है। स्टेशन में खाने के लिए आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। जापनीज रेस्टोरेंट है, यहीं पे हम आपको इंडियन रेस्टोरेंट में भी ले चले हैं। उत्सनोमिया इज वेरी फेमस फॉर ग्योजा। यहाँ से दूर दूर से लोग ग्योजा खाने के लिए आते हैं। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ये है हमारा उत्सनोमिया स्टेशन और ये रहा हमारा इंडियन रेस्टोरेंट। अभी हम इसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे। सो लेट्स गो। अगर आप उत्सनोमिया में रह रहे हो तो डेफिनेटली आपको इचिगो रेस्टोरेंट के बारे में पता होगा, और अगर आप नए आए हैं उत्सनोमिया में देन डेफिनेटली आपको इस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। उत्सनोमिया में जितनी भी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है उनमें से इचिगो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में से है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से हम जापान में आए हैं तब से इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। यहाँ पे जापनीज लोग भी बहुत आते हैं और यहाँ का खाना बहुत पसंद करते हैं। सो अगर आप इंडियन हो और अगर आप इंडियन नहीं भी हो फिर भी आपको यहाँ का खाना बहुत पसंद आएगा। हेलो, इज माय फ्रेंड और हम दोनों यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। और ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया है एक भटूरा सेट और एक पूरी सेट। खाना खाने से पहले यहाँ हमारे साथ विष्णु जी हैं, उनसे हम थोड़ा बात करेंगे। विष्णु जी नमस्ते। नमस्ते विष्णु जी। विष्णु जी, ये रेस्टोरेंट कितने साल से है? अभी 7 साल से है। 7 साल से है। और यहाँ पे जापानीज लोग भी, मतलब जापानीज लोग भी हैं, इंडियन इंडियन तो बहुत आते हैं। हम तो कितने 5 साल से है, 5 साल से हम इधर आ रहे हैं, लेकिन अभी दूसरी तरफ गए ना, उसके बाद रिवर साइड में कभी कभी जाते हैं साइड पे। और आप लोगों का खाना भी बहुत बढ़िया होता है, इसलिए नहीं सच में थैंक यू सो मच, अरिगतो गोज़ाइमास। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ये मैंने गर्मा गर्म भटूरे लिए, इसके साथ ये मैंने चने में डिप किया और ये गया मेरा फर्स्ट बाइट। थोड़ा पूरी भी ट्राई करूँगी, ये मैंने पूरी का भी थोड़ा सा पूरी लिया, फिर से चने में डिप किया एंड अगेन अनदर बाइट। अभी मेरी फ्रेंड टेस्ट करके रिव्यू देगी। मुझे चने बहुत पसंद है। ओके मस्त। और चाय हमें मिली है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ। चीयर्स। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड इचिगो में। थैंक यू, अरिगातो गोज़ाइमास। स्टेशन के सामने हम साइकिल पार्क करके गए थे, पहले हम साइकिल लेंगे, अरिगातो गोज़ाइमास, और फिर चलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो ये है हमारा रिवर और रिवर के बिल्कुल पास है हमारा दूसरा रेस्टोरेंट। अभी हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते। स्टेशन का जो इचिगो हमने दिखाया था वो और ये जो रिवर साइड का इचिगो, ये दोनों रेस्टोरेंट का ही लोकेशन और एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। ये जो रेस्टोरेंट है ये रिवर साइड इचिगो है और यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज्यादा है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा स्पेस है।
स्पेशली जब भी कोई भी ऑफिस पार्टी हो या फिर कोई बर्थडे पार्टी वगैरह रहता है या फिर वीकेंड हो या फिर हॉलीडे के टाइम पे जब क्राउड ज़्यादा रहता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वो अरेंज और मैनेज हो जाता है। वैसे दोनों रेस्टोरेंट का ही खाने का जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है स्टेशन की जगह से, इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ चाय पियेंगे। Cheers once again. अभी मेरी फ्रेंड फिर से रिव्यू देगी, देखते हैं अभी। उससे ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा थिक है, मिल्क का बना है प्रॉपर, जैसे हमें इंडियन लोगों को चाहिए ना वैसे। यस यू कैन ट्राई। बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जाएंगे अपने अपने घर। बहुत दिनों बाद देसी सा ब्रेकफास्ट करके सच में बहुत मजा आया। रियली वी एंजॉयड अ लॉट। इस रेस्टोरेंट का जो डिटेल्स है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मेरी जो फ्रेंड है उसकी भी यूट्यूब में चैनल है, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती है, सो उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब हर चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। मतने।